एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो यह बताया गया है जैसे कि एशिया के और देश थे उन देशों में भी कला के विकास पर उनकी मूर्तियां वगैरह थी उस पर बहुत अधिक धार्मिक प्रभाव दिखाई दिया है। उसी तरह हमारी जो कला है हमारे जो मूर्तियाँ वगैरह बनी है उस पर भी बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रभाव दिखाई देता है। तो वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियों और चित्र बनाए गए। तो वेदों में कहा गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वेद मूर्ति पूजा के विरोध में है। और जो बौद्ध धर्म है उसमें भी अपेक्षाकृत काफ़ी समय बाद जो बुद्ध की मूर्तियां वगैरह थी चित्र वगैरह थे वो बनाए गए थे। तो मथुरा के संग्रहालय में बौद्धिस्त की एक विशाल शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। तो जो मथुरा का संग्रहालय है उसमें एक पत्थर की प्रतिमा है जो कि बहुत शक्तिशाली है, प्रभावशाली लगती है देखने में। और जो ये बुद्ध की प्रतिमा है वो बनाई गई थी कुषाण युग में, तो ईसवी सन के आरंभ में इसका निर्माण हुआ था कुषाण युग में। तो भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। तो जो हमारी प्रारंभिक जो कला थी वो काफ़ी कुछ चीनी प्रभाव से प्रभावित थी, चीनी जो कला थी उससे बहुत अधिक प्रभावित थी। तो भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो जो भारतीय कला का इतिहास हम देखते हैं तो अलग अलग अवस्थाओं पर हमें चीनी प्रभाव दिखाई देता है। तो हमारी जो कला थी वो चीनी कला से बहुत अधिक प्रभावित थी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो एशिया के दूसरे देश हैं उसकी तरह भारत की जो कला है संस्कृति उस पर बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रभाव दिखाई देता है। वेद थे वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी काफ़ी टाइम बाद बुद्ध की मूर्तियाँ और चित्र बनाए गए थे। और जो मथुरा में विशाल संग्रहालय है जो उसमें जो विशाल शक्तिशाली और प्रभावशाली जो पत्थर की मूर्ति लगी है वो कुषाण युग में बनाई गई थी ईसवी सन के आरंभ के आसपास। और जो भारत की जो कला है वो चीनी जो प्रभाव है उस पर दिखाई देता है, चीनी कला का प्रभाव काफ़ी दिखाई देता है भारत की कला पर। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान जिसे भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है अजंता की गुफाएं खोदी गई और उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। तो जो ये अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्त काल में बनाई गई थी चौथी से छठी शताब्दी में। और ये जो गुप्त काल है इसको भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो जो ये गुफाएं बनी थी इनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, तरह तरह के बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की हैं। तो जो बाघ और बादामी की गुफाएं हैं वो भी गुप्त काल की ही हैं। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। तो अजंता की जो गुफाएँ हैं उसमें हम जाके देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जो ये गुफाएँ हैं और जो इनमें चित्र बनाए गए हैं बिल्कुल वास्तविक दुनिया के लगते हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इन भित्ति चित्रों को बहुत भिक्षुओं ने बनाया था। तो ये जो दीवारों पर बने हुए चित्र हैं इनको बहुत भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक हैं। तो जो ये बौद्ध भिक्षुओं के स्वामी थे उन्होंने क्या कहा था कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, महिलाओं के पास नहीं जाना चाहिए और उनको देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने क्या किया, जो चित्र बनाए थे उसमें स्त्रियों की कमी नहीं थी, काफ़ी कुछ चित्र स्त्रियों के ही बनाए थे। तो बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियाँ बनाई थी, राजकुमारियाँ थी, इसमें गायिकाएँ होती थी, नर्तकियाँ होती थी, बैठी खड़ी श्रृंगार करती हुई या जो शोभा यात्राएँ होती हैं उसमें जाती हुई, इस तरह के उन्होंने चित्र बनाए थे। जबकि ये लोग कहते थे कि जो इनके स्वामी थे उनका कहना था कि स्त्रियों के पास नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने जो चित्र बनाए वो स्त्रियों के बनाए थे। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। तो जो ये चित्रकार थे उनको पूरी तरह से पता था कि भिक्षुओं का जो संसार होता है वो कैसा होता है, उनका जो गतिशील जीवन है वो उनको पता था। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। तो जो ये चित्रकार थे बहुत अच्छे थे चित्रकारी करने में, तो उन्होंने जो चित्र बनाए ये तो उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए थे जितने प्रेम से उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाएँ बनाई थी जो बहुत ही शांत लगती थी, गरिमामय थी, उसी तरह से उन्होंने ये चित्र बनाए थे स्त्रियों के। सातवीं आठवीं शताब्दियों में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है।
तो 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं बनाई गई थी। इस गुफाओं में क्या है, कैलाश का विशाल मंदिर है। तो 4वीं से 6वीं शताब्दी में अजंता की गुफाएं बनी थी और 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी। तो जो ये विशाल मंदिर है, हम इसको देखकर कल्पना भी नहीं कर सकते कि मनुष्य ने इसको कैसे बनाया होगा, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने पहले इसकी कल्पना की होगी, फिर इसको अपना रूप दिया होगा, आकार दिया होगा। तो ये बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है कैलाश का मंदिर। तो एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की हैं। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो भी 7वीं 8वीं शताब्दी की हैं, और जहाँ प्रभावशाली और रहस्यमय त्रिमूर्ति बनी है। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसमें बनी हुई है त्रिमूर्ति, और जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें बना है कैलाश का विशाल मंदिर। और दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। तो जो भारत का साउथ है, दक्षिण भारत है, वहाँ भी जो महाबलीपुरम का इमारत है वो भी, उसका निर्माण भी 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में एलोरा की गुफाएं बनी, एलिफेंटा की गुफाएं बनी, और दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की जो इमारत है वो भी इसी समय बनी थी। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। तो एलिफेंटा की गुफा है उसमें नटराज शिव की एक मूर्ति लगाई गई है जो कि खंडित है, टूटी हुई है, और इसमें दिखाया गया है कि जो शिव जी हैं वो नाचते हुए दिखाए गए हैं। हैविल का कहना है कि इस छत्छत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। तो हैविल है, उनका कहना है कि जो ये मूर्ति है हालांकि छत्छत अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में है, लेकिन फिर भी जो ये मूर्ति है बहुत ही विशाल काय है और एक ऐसा लगता है कोई शक्ति का मूर्त रूप है, और जो इसकी कल्पना जिसने भी किया बनाने की, उसकी कल्पना बहुत ही विस्तृत होगी, बहुत ही विशाल रही होगी। तो ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। तो ब्रिटिश संग्रहालय है उसमें भी एक नटराज की मूर्ति है। नटराज शिव की जो मूर्ति है वो क्या दिखाया गया है, उसमें दिखाया गया है कि विश्व का उन्होंने सृजन कैसे किया, उसका नाश करते हुए दिखाया गया है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। तो यहाँ पर जो एप्स्टीन है उन्होंने क्या लिखा था कि जो ये मूर्ति बनाई गई है तो उस समय का जो युग था, उस समय की जो विशालता थी उसको दिखाया गया है कि उस समय का जो युग था अपने समय का कितना भव्य युग था, वो कितना विशाल युग था जो इसमें इतनी अच्छी अच्छी कलाकारी की गई थी, इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई गई थी। जावा में बोरोबदूर से बौद्धिस्त का एक सर कोपेनहेगन के गिल पटोटेक ले जाया गया। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बौद्धिस्त की शुद्धात्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है। एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, द्रव्य नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुँच से परे का परम सौंदर्य मूर्तवान हुआ है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो जावा में बोरोबदूर है वहाँ से एक बौद्धिस्त का सर था, वो कोपेनहेगन से गिल पटोटेक ले जाया गया। तो जो ये सर था देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें कुछ गहराई भी है, कुछ गहरी बात भी छिपी हुई है। वो क्या है कि इसको देखकर जो बौद्धिस्त हैं उनकी शुद्ध आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। इस सर को देख कर हमें पता चलता है जो बौद्ध लोग थे उनकी आत्मा कितनी शुद्ध थी, कितनी पवित्र थी। तो जैसे हम अपना शीशे में चित्र, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं, वैसे ही इस सर को देखकर हमें जो बौद्धिस्त हैं उनकी शुद्ध आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा चेहरा है जिसमें क्या है, समुद्र की गहराई की जो शांति होती है और नीले आकाश की स्वच्छता होती है वो है इसमें, और इंसानी पहुंच से परे का जो परम सौंदर्य है वो इसमें दिखाई देता है। तो इंसान की जो पहुंच है जहां तक नहीं जा सकती, उससे भी ज़्यादा जो सुंदरता है वो इसमें दिखाई देती है। तो इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य इसमें मूर्तवान हुआ है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हमारी कला थी उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा विदेशियों पर भी पड़ा था, और हमारे देश की कला को विदेशियों ने भी अपनाया था। हमारी जो लेखन कला थी उसको भी उन्होंने अपनाया, और जो हमारी चित्रकला थी उनको भी विदेशियों ने अपनाया था। और जो भारत था बहुत अधिक चीनी कला से प्रभावित था। अजंता एलोरा की गुफाएं कब बनी, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है।